गुइया चलो छैया छैया चुनाव करो, 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 ना ही दबाव से ना ही लुभाव से, ना ही दबाव से ना ही लुभाव से, सुन बे मन की बतिया चुनाव करो, सुन बे मन की बतिया चुनाव करो। मतलब ना दबाव में आइए ना लोभ में आइए और चुनाव में बिल्कुल ईमानदारी से वोट डालिए, अच्छी सरकार चुनिए। बड़ी अच्छी बात आपने कही। अब मेरा वही सवाल जो सबसे मैं बात कर रहा था, पूछ रहा था, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? हाँ, क्या कहना चाह रहे थे आप? जिस व्यक्ति के आगे पूरा विश्व नतमस्तक है, जो हम लोग को 2042 तक विकसित भारत बनाने की संकल्प लिए हैं, ऐसे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को पूरा राष्ट्र प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेगा। आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ बीजेपी से उम्मीद करता हूं पुरानी पेंशन की, और कांग्रेस से तो एकदम उम्मीद नहीं करता कि वो पुरानी पेंशन देगी। जब छत्तीसगढ़ में जब इनकी सरकार थी और 60 में से 47 सीटें छत्तीसगढ़ में थी, 5 साल सरकार रही और वहां के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं मिली, अब वो चले गए तो आज कह रहे हैं कि हम पुरानी पेंशन देंगे। और सपा की भी वही स्थिति थी, 12 से लेके लगातार ये सरकार रही 17 तक, भरोसा नहीं है उनकी बात पर। जी, मैं सबसे पहले तो यह कहना चाहता हूँ, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, आप बोले ये एक पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय लेता है, और इंडिया गठबंधन पूरी तरह से तयमयता से जिसको कहेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। सिर्फ पार्लियामेंट्री बोर्ड के निर्णय लेने से नहीं होता ना सर, सीटें चाहिए उतनी। सीटें कैसे लाएंगे, समीकरण तो बताइए। वो कह रहे हैं 400 पार, अब की बार 400 पार कह रही है बीजेपी। जी, वो कह रहे हैं 400 पार, यदि उनका 400 पार है तो इलेक्शन कराने की आवश्यकता ही नहीं है। आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन को तोड़ने का प्रयास ईडी के माध्यम से, सारी एजेंसियों के माध्यम से करने का प्रयास किया। जयंत जी ईडी से डर के चले गए? बिल्कुल, जयंत जी ईडी से डर के गए हैं और हर तरह से वो डराना चाहते हैं। एक बात में उनके बाबू जी का फाइल खुलल है, जयंत चौधरी के बाबू अजीत चौधरी का फाइल खोल के दिखावल गई है। आवा नहीं तो राम बोलिए बोलिए। हाँ, आप फिर आ गए, क्या कह रहे हैं? छोटे बोलिए। पीडीए की बात कर रहे थे ना, तो इनका पीडीए का मतलब है पर्सनल डेवलपमेंट अथॉरिटी। एक परिवार का विकास क्या पीडीए का विकास है? उसमें पिछड़ा कहाँ है और दलित कहाँ है? आप देखिए, जवाब ले लेता हूँ। एक परिवार का, समाजवादी पार्टी से, क्योंकि आप ही लोगों पर परिवारवाद का सबसे ज्यादा आरोप लगता है। एक परिवार का विकास ही सबका विकास है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। और परिवारवाद के आरोप से भारतीय जनता पार्टी भी बरी नहीं है। जयंत शाह जी का नाम आपने सुना होगा, अमित शाह जी के बेटे हैं, क्रिकेट से उनका क्या नाता रहा है? वो क्रिकेट बोर्ड के, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव थे, अब एशिया के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष हो गए। हमें बताया ना उनका क्रिकेट में क्या योगदान रहा है, अमित शाह के पुत्र होने के नाते। परिवारवाद आपके यहाँ भी ये कह रहे हैं, क्यों उनको आरोप लगाते हैं उन पर, समाजवादी पार्टी पर? संसद के अंदर मेरे नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने परिवारवाद की जो राजनीति का स्पष्ट जो परिभाषित किया है कि एक परिवार का एक राजनीतिक दल पर वर्चस्व, यानी परिवारवाद, किसी नौजवान के अंदर अगर राजनीति करने की प्रतिभा हो, वो किसी भी राजनीति, उसका पिता राजनीतिक हो, उससे उसके परिवारवाद परिलक्षित नहीं होते। परिवारवाद की परिभाषा, एक राजनीतिक दल पर एक परिवार का वर्चस्व कायम, ये परिवारवाद। परिवारवाद को परिभाषित करें। अच्छा, जिसको भी कुछ पूछना हो, सवाल पूछेगा, खड़े हो जाइए अपनी जगह पे, मैं आता हूँ। खड़े हो जाइए, मैं तेजी से सबके पास आऊंगा। हाँ, क्या आप क्या कहना चाहते, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जल्दी से फटाफट। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के तहत आज माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी जी का आज़ादी के बाद जिस तरह का काम उन्होंने किया है, अब तक की किसी ने नहीं किया है। और विकास की बात की जहां की जाए, 563 करोड़ रुपए का MOU सिर्फ गाजीपुर में साइन हुआ है। आप यहीं के रहने वाले हैं? हूँ, मैं व्यापार मंडल का जिला अध्यक्ष। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अबू फखर खां है। और जो भी विकास और जो व्यापारियों के लिए सोचेगा, वही इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। हाँ, बोलिए जल्दी से। हाँ, मैं कांग्रेस के प्रतिनिधि से यह बात पूछना चाहता हूँ। एक समय था कि कांग्रेस एक तरफ होती थी, सारी पार्टियां उनसे चुनाव लड़ती थी इनके विरोध में। आज क्यों ये सबके साथ मिल के भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं? दूसरी बात कि सपा, बसपा, कांग्रेस जो भी है, ये सब पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी
पार्टी नहीं है, ये 140 करोड़ जनता का विश्वास है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।